में नशे में धुत 24 साल के एक युवक को एक हाथी को चूमने की कोशिश महंगी पड़ी है। वो फिल्मी स्टाइल में किस करने के लिए हाथी के काफी करीब पहुंच गया था, जिसका खामियाजा उसे अस्पताल पहुंचकर भुगतना पड़ा है। ये घटना बेंगलुरु से करीब 50 किलोमीटर दूर मालूर इलाके की है, जब जंगल और पुलिस विभाग के अधिकारी 6 हाथियों के झुंड को कर्नाटक तमिलनाडु बॉर्डर के जंगलों की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले एक हफ्ते से वन विभाग हाथियों के इस झुंड को जंगल में वापस भेजने के लिए काफी मशक्कत कर रहा है। हाथियों ने डीएन डोडी गांव के आसपास आम के एक बागान के अलावा केले और ककड़ी के खेतों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इलाके के लोग कड़े निर्देशों के बावजूद वन विभाग के ऑपरेशन में शामिल होने पहुंच गए। बुधवार को कटेरी और अरालेरी गांवों के पास हाथियों का झुंड देखा गया। वन विभाग के सूत्रों का कहना है, डीएन डोडी गांव के पास हाथियों की तस्वीरें लेने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोगों ने सेल्फी तक लेने की कोशिश की, लेकिन भीड़ को देखकर हाथियों का झुंड भड़क गया। एक बार तो हाथियों ने लोगों को दौड़ा लिया, जिसके बाद सभी ने भागकर किसी तरह जान बचाई। वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि बाद में हमने पाया कि राजू नाम के एक युवक के चेहरे से खून बह रहा है। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था और हमें उसे फौरन अस्पताल पहुंचाना पड़ा। हाथियों के हमले के बाद भागने के क्रम में वो यूकेलिप्टस के पेड़ से टकरा गया था। हालांकि ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि राजू हाथियों के काफी करीब आने की कोशिश कर रहा था और एक कन्नड़ फिल्म की तर्ज पर हीरो की तरह एक हाथी को किस करने की फिराक में था। खैर, अब वन विभाग सतर्क है। जानवरों के करीब जाने या उनको परेशान करने की कोशिश को रोकने के लिए ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वन अधिकारियों ने बताया कि किसी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोकने के लिए आस पड़ोस के इलाकों से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।